तो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं कि एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें टाइप सी का केबल लगता है, और कुछ लोग आईफोन का यूज़ करते हैं जिसमें लाइटनिंग पोर्ट लगता है। हालांकि आईफोन 15 में टाइप सी का पोर्ट आ चुका है, लेकिन मैं पुराने आईफोन की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट गैजेट्स लेके आया हूँ मैं, जो कि बहुत ही अच्छा एम्ब्रेन का केबल है, जहाँ पे आप टाइप सी टू टाइप सी भी यूज़ कर सकते हो, टाइप सी टू लाइटनिंग भी यूज़ कर सकते हो, प्लस लाइटनिंग टू यूएसबी ए भी यूज़ कर सकते हो, प्लस यूएसबी ए टू टाइप सी भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा गैजेट्स है और काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी ट्रेंडिंग डिवाइस है ये, और काफ़ी सस्ते में मिल सकता है आपको, 500 रुपये में मिल सकता है ये वाला केबल। तो आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, एमरन की ओर से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे इसको ओपन करूँगा मैं। ओपन करने के बाद अंदर एक कार्ड मिलेगा एमरन की ओर से कस्टमर सर्विस के लिए, और यहाँ पे ये केबल है, केबल के ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग भी मिल जाती है जिससे केबल क्रैक ना होगा इस। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लाइटनिंग है, लाइटनिंग को जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ पे टाइप सी हो जाएगा। दूसरी ओर हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे है यूएसबी ए, यूएसबी ए को जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ पे टाइप सी हो जाएगा। मतलब आप टाइप सी से टाइप सी भी यूज़ कर सकते हो, यूएसबी ए से टाइप सी भी यूज़ कर सकते हो, प्लस यूएसबी ए से हम लाइटनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस टाइप सी टू लाइटनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही केबल में चार अलग अलग फीचर्स, चार या पांच अलग अलग फीचर्स हमें यूज़ करने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा केबल है, 500 रुपये के आसपास आपको आसानी से लोकल शॉप में मिल सकता है, एमरन की वेबसाइट पे भी मिल सकता है। प्लस ये जो क्वालिटी है वो काफ़ी ओरिजिनल है, मतलब आप अपने ऑफिशियली एप्पल के प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एमरन की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने पर्सनली चार साल से यूज़ कर रहा हूँ, एमरन की कोई भी प्रोडक्ट में दिक्कत आई नहीं है। तो गाइस आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।